Yeah.
हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले आओ तुम भी। वाह वाह, अरे सब थैली में ले आ रहे हैं, समझ आ रहा है।
भाई। हरे कृष्णा गोस्वामी भजन करते थे और जीव गोस्वामी जी उनके बड़े प्रिय शिष्य थे और उसी परंपरा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी की समाधि स्थली और वहां पर है कृष्णदास गोस्वामी की, यहाँ जाएंगे। तो बोलो श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, शरद गोस्वामी वर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, मोहित भक्तविंद की जय, गोप प्रमाण राधा दामोदर टेम्पल एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग और दिस इज द समाधि ऑफ श्रील जीव गोस्वामी and this is the samadhi of Krishnadas Kaviraj Goswami. Both are Rupanga Vaishnav. You know that Krishnadas Kaviraj Goswami has written Sri Chaitanya Charitamrita and so many books. And Jeev Goswami, like his guru, guru of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, and he composed so many books. Beginning from Vyakaran, Harinamabhat Vyakaran, and so many champus and everything to establish the Manobhist of Srila Rupa Goswami. So, Srila Jeev Goswami ki jai, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Kau Pramana. सनातन को Oh,
कमर को मोड़ नहीं रहता आदित पाद जगम यही कहीं मोड़ नहीं रहता सुजनार पुदर आदित कृष्णदास सुजनार पुदर आदित कृष्णदास सुजनार विदित पाद जुगम युग Hare 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 Hare
Yeah.
Go sabata ji bhaji.
चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदां आस्तानस्मिन्नं धन्तेरिदं याति पुनः पुनः श्रीमद्रूपदं भोजभूमि श्याम जन्मनि। आप लोगों में से जो जो कोई प्रणामी देना चाहता है वो गोस्वामी के वीरत किसी के उपलक्ष्य में वो दे सकते हैं, हम लोग वहाँ पर सबको चढ़ा दें। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गिव सम ऑफरिंग इन द लॉर्ड फीट ऑफ श्री ललूर गोस्वामी और दिस वेरी ऑस्पिशियस यू कैन बी और यदि तिरुप गोस्वामी महाप्रभु के प्रिय पात्र स्नेह पात्र यदि रूप गोस्वामी जी ये जगत में नहीं आते प्रकट नहीं होते तो प्रेमान महानिधि उठरी को कौन कपाट उधारत। प्रेम महानिधि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही स्वयं राधा जी के अंतर्भाव को लेकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव और मादन मोदन इन सब भावों को लेकर के जो आए राधिका जी के प्रणय भाव को उनकी माधुर्मा को राधा जी कैसे आस्वादन करती है और उनको क्या सुख होता है। ये प्रेम महानिधि चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका हृदय है तो इसके कपाट को कौन उघाड़ता है। महाप्रभु आए बात ठीक थी किंतु उनको कौन जाना। तिलरूप गोस्वामी जी और उनके इस महाप्रभु के स्वरूप को और उनके प्रेम को हृदय में जो राधिका का प्रेम है इसके कपाट को उघाड़ा और जगत में ये दिया। महाप्रभु जी आए ऐसे ही रह जाते कोई नहीं जानता किंतु रूप गोस्वामी जी आकर यहाँ तक कि स्वरूप दामोदर राय रामानंद भी थोड़ा सा उनके विषय में बोलने पर वो मूर्छित हो जाते थे इसलिए बोल नहीं पाते। महाप्रभु जी प्रचार में भी इस भाव को नहीं बोल सके क्योंकि गदगद हो जाते अंतर गदगद भाव विभोरम लेकिन इसलिए वो भी नहीं कर सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को श्री रूप गोस्वामी ने प्रकट किया उसके कपाट को उघाड़ दिया और जगत में महाप्रभु कौन है किस प्रेम को देने के लिए आए। उन्नत उज्जवल पारकीय भाव उसमें भी रूपमंजरी का भाव देने के लिए जगत में आए। उनके इस भाव को सीधे रूप गोस्वामी ने स्थापित किया और जगत को बतलाया। व्हाट आई थॉट चक्षुर्न्मीलितं येनाथस्य श्री गुरवे नमः। श्रील गुरुदेव इज एक्सप्लेनिंग दिस कीर्तन जन कलि रूप शरीर धारत। If Srila Rupa Goswami Pad had not descended into this world, then Tan Brajat Prema Mahanidhi Kutarika, there's a great treasure of Braja Prem. Where? In the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Pratendanandan Shamasunda Krishna himself, and he has come into this world with the mood of Srimati Radhika.
स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रुद्र भाव अनिरुद्ध भाव मदन मोहन मदन आख्य महाभाव. He has come in this world for what purpose? To realize the pranay mahima, the glory of the pranay intimate love of Srimati Radhika for Krishna. To taste his own sweetness as only Srimati Radharani can taste through the eyes of her love. And to realize what happiness Srimati Radharani feels within her heart in her relation with Krishna. Krishna himself, deeply absorbed in her mood and endowed with her complexion, came in this world as Sri Chaitanya Mahaprabhu. But who knew this fact? What he was tasting? What is his identity and why he came? If Rupa Goswami had not come, then no one would have known. Even Saurav Damodar, Rai Ramananda, they have said something, they have written something, but only very little. Why? Because upon remembering these things, they would become unconscious. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, he has not explained these things. The innermost heart desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this world and to exhibit to the world what is that special love that Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give, the service of Srimati Radharani, falling in the mood of Sri Rupa Manjari. यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो मथुरा वृंदावन को कौन जानता? कोई नहीं जानता. ये महाप्रभु बस रूप गोस्वामी यू आर नॉट हियर. हु न्यू व्हाट इज मथुरा एंड वृंदावन? नेवर एनीवन. ओनली ड्यू टू मसी ऑफ रूप गोस्वामी नो व्हाट इज मथुरा मधुरा Madhupuri. What is Madhu? Love and affection of Krishna. Beginning, this is the door of Vrindavan, the Rasasthali Madhura. And Vrindavan, oh Rasasthali, and everything is. So Rupa Goswami established all this. Ko janat Mathura Vrindavan. Ko janat Brajanita. What is Brajanita? Brajanita. वो वृंदावन की नीति, वृंदावन की नीति क्या? पारकीय भाव. ये कोई नहीं जानता. ये स्पेशल रूप, ये रूप गोस्वामी ने दिया. वो जानत राधा माधव रति. वो जानता, कौन जानता इस जगत में जो राधा और माधव की रीति क्या है भजन की? कौन जानता? अपनी स्वकीय होने पर भी परकीय भाव की स्थापना रूप गोस्वामी ने जो की, कोई नहीं कर सकता. चैतन्य महाप्रभु जी ने इंगित दे दिया, शक्ति दे दी. चैतन्य महाप्रभु गेव इंस्पिरेशन इन द हार्ट ऑफ रूप गोस्वामी बिकॉज ही वॉज नॉट अनेबल टू गिव ऑल दिस. व्हेन ही यूज्ड टू हियर कृष्ण नाम इवन राधा नाम इवन ही वॉज सेंसलेस. वो राधा नाम को सुनकर के, कृष्ण नाम को सुनकर के ही महाप्रभु राय रामानंद स्वरूप दामोदर सभी सनातन गोस्वामी भी भाव विभोर हो उठते थे. इसलिए महिमा का स्थापन नहीं कर सके. महाप्रभु जी ने स्पेशल पावर दिया, ये उनकी महावदान्यता है. यही उनका वो जो है क्या, माधुर्य का दंडनी भैया कहा, औदार्य, औदार्य. इसलिए माधव रीति वो जानत सही प्रीति, उस प्रीति को कौन जानता है? वो नहीं जानता. केवल रूप को सामने ही बनता है. नीर क्षीर हंसन पान विधायन कौन पृथक करी पाय. जैसे पानी और दूध को मिला देने पर हंस ही उसको दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है एसार को, ऐसे ही वैदिक भक्ति इत्यादि जितनी भी भक्ति हैं जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया, उसमें स्वरूप सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा भक्ति और इसके अतिरिक्त कर्म ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा इत्यादि भक्ति, इनसे भक्ति को अलग करता. फिर इस भक्ति में भी शुद्ध भक्ति को उन भक्तियों से अलग करता.
और उसमें भी रागमय भक्ति को कौन ये देता, कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसी प्रेम भक्ति को जगत में प्रदान करे। माने रूप गोस्वामी ने कहा है, धिक्कार देते हुए, जो लोग राधा कृष्ण में विरह होता है नहीं मानते, उनमें मान होता है राधा जी में, ये नहीं मानते, सब समय उनका संग ही रहता है, मिलन ही रहता है और उनमें विरह कभी नहीं होता है, तो उन लोगों को धिक्कार है, वो रस तत्व को नहीं जानते, वो मूर्ख है, एकदम ऐसा कहा है। वो जल्लीन मणि में कहा है इस श्लोक के द्वारा, उनको धिक्कार है, आह वो कुछ नहीं जानते। इसलिए जब तक ये मान इत्यादि नहीं रहेगा, प्रवास नहीं रहेगा और उसमें प्रेम का ये वृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, प्रेम को प्रलंब के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती है, नहीं होगी कदापि, उनके दिमाग में नहीं, कहते वो सब समय उनका मिला नहीं रहता है, अतः उसे तो विवाह अच्छा है, द्वारका का विवाह 60,000 कितना महर्षियों के साथ में उन्होंने विवाह किया, तो उसे भी अच्छा है, किंतु उसमें भी तो मान देखते हैं, उसमें भी मान हो जाता है, सत्यभामा इत्यादि को, चंद्रावली को भी कभी कभी हो जाता है, रंग बिरंगी उसमें, और जिस मिलन में कोई प्रेम का अतिरिक्त, मिलन का अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, तो वो प्रेम क्या है? इसलिए प्रेम का पहलू एक जो है उसमें पूरा नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी ने उज्जल लीनमणि में अपने और ग्रंथों में सबका संपादन किया, जो आज तक कोई भी आचार्य इसको नहीं कर सका। जयदेव जी का हृदय कांपने लग गया राधा जी की महिमा वर्णन करते समय, उनकी इच्छा से राधा जी को मान हुआ और कृष्ण अपने मस्तक को, अपनी वेणु को उनके चरणों में रख दिया, किंतु वो नहीं कर सके, कृष्ण को आकर के लिखना पड़ा। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने क्या क्या कहा है, उन्होंने कहा जो अपने चरणों का महावर श्रीमती राधिका कृष्ण के चरणों में लगा करके मोहर लगा देती है कि ये मेरे है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं लिख सकता। इसलिए वो जानत निरहंस निरक्षीरहंसन पान विधायन कौन पृथक करी पाए, को सब तजी भज वृंदावन, को सब ग्रंथ विचारित जब पितु वन फूल फलतनना विदु मनोराज अरविंद सो मधुकर बिनु पान कौन जानत विद्यमान करीब। यदि वन में वृंदावन में फूल सब तरह का और उसका फौरे न गुंजार करें, उसका मधुपान न करें, तो उन फूलों का महत्व क्या है? फूलों में रस है, सुगंध है, मधु है, ये कौन जानता है? ये भ्रमर जानता है। यदि जिस वन में भ्रमर न आए, मधुपान न करे, तो सब कुछ नीरस है। इस तरह से रूप गोस्वामी यहाँ पर भ्रमर है कृष्ण लीला के, जब तक ये नहीं रहते तब तक किसी को पता नहीं होता जब ये वृंदावन क्या है। इसीलिए आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तत धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना, ये वृंदावन के बिना ये रासलीला और गोपियों का प्रेम, राधा जी का प्रेम, ये सब कहीं नहीं हो सकता। इसलिए सबको छोड़ करके वृंदावन में आए और वृंदावन में इसी स्थान पर वो उनका भजन स्थली है और ये है इनकी समाधि, ये सभी उनका भजन का स्थल है। उन्होंने ही राधा दामोदर जी का शिव विग्रह किया और जीव गोस्वामी को उसको सेवा करने के लिए दिया, तो ये राधा दामोदर मंदिर पीछे हुआ, पहले रूप गोस्वामी का भजन स्थल है और यहीं पर सारा गौड़ीय वैष्णव समाज, सनातन गोस्वामी भी आते थे और जीव गोस्वामी बच्चे होकर के और उनकी सेवा करते थे, और वल्लभाचार्य जैसे उद्भव विद्वान आए और यहीं पर यमुना के किनारे जीव गोस्वामी ने उनका छक्का छुड़ा दिया, हमारे गुरु जी को के कलम में तुम दोष देखता है, ऐसे ऐसे ये विद्वान जब उनका शिष्य ही है तो रूप गोस्वामी कैसे धुरंधर होंगे, किंतु सबको सम्मान दिया, ये सब हम लोगों को सीखना चाहिए। जाकर चरण प्रसादे सकल जन गाय गवाई सुख पावत चरण कमल शरणागत माधो तो महिमा गुरु लागे,
जिसके चरण के प्रसाद से, चरण कमलों के प्रसाद से सभी लोग रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, सरस को जानते हैं, वृंदावन को जानते हैं, जुगल रस को जानते हैं, गाय गवाय उन्हीं के चरण प्रसाद से, किसके रूप गोस्वामी से सुख पाते हैं। चरण कमले शरणा माधो, उनके चरण कमल में शरणागत हो रहा है। माधो माने हम सब लोगों को, फॉर अस ही हैज रिटन देयर वाज अ माधो पंड कवि एंड ही हैज टोल्ड अबाउट, आई नो दैट ही वॉज इन द लाइन ऑफ श्रील गदाधर पंडित एंड ही हैज रिटन। सो वी विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स देयर, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। सो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी महाप्रभु के कैसे प्रिय थे, उन्होंने बचपन में सारी विद्याएं संस्कृत अरबी फारसी बंगला सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया। सनातन गोस्वामी वो और अनुपम विशेष करके इनकी बड़ी मेधा थी। महाराज हुसैन शाह के ये प्रधानमंत्री और प्रभारी सेक्रेटरी भी हुए और महाप्रभु के संग से उसको छोड़ दिया और छोड़ करके आगे वृंदावन में प्रयाग में रूप गोस्वामी ने सारी अपनी शक्ति उनमें अंदर में संचरित कर दी। रूप गोस्वामी लेफ्ट हिज होम एंड इन वेरी यंग एज विथ अनुपम एंड लेटर ऑन सनातन गोस्वामी के एवरीथिंग दे हैव लेफ्ट, दे बिकेम लाइक स्ट्रीट बेगर टोटली नथिंग, वन पैसा और वन पैसा की कौड़ी उनके पॉकेट में नहीं थी। और प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु जी मिले और उनको अपनी सारी शक्ति संचरित कर दी और ये भी संचरित किया शक्ति, जब तुम हमारी लीला कथाओं को वर्णन करते समय में मूर्छित न हो गए, हमारे भावों को प्रकाश करते समय में सहज ही कोई भी व्यक्ति प्रेम में मूर्छित हो सकता है। महाप्रभु ऐसा जान करके और उनको विशेष कृपा किया, तुम सब वर्णन करो। और यहाँ तक कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं अकेले में हुई हैं, जहाँ पर कोई नहीं था, उसको भी तुम अनुभव करके और तुम उज्जवल मणि ग्रंथ और सब ग्रंथों में तुम लिखना ये भी, और नहीं तो बेहोश हो जाते, प्रेम में मूर्छा हो जाते। इसलिए उनमें ये शक्ति भी दे दिया, जिसको कहते हैं कौन सी और जाज्य लीला, ये सब कुछ उनमें दिया। अंत में रस समुद्र अथाह अनंत और क्या है, जिसका आदि अंत और अतल पतल कुछ नहीं, इतना बड़ा भाग और उसका एक बिंदु दिया इनको, आज एक बिंदु तुम्हें चखने के लिए दे रहा हूं। और एक बिंदु का शायद उन्होंने एक लाख भाग का एक भाग भक्ति स्वामी सिंधु उज्जवल नीलमणि अपने ग्रंथों में दिया और सारा जगत उसमें रघुनाथ जैसे हमारे परम महाप्रभु के कृपा पात्र और स्वरूप के वो क्या किया, उन्होंने उनको एक लिख करके दे दिया वो विदग्ध माधव या पहले, और उसमें डूबने उतराने लगे, खा नहीं पाए, दिन रात रोने लगे। तो फिर एक दे दिया दान के लिए कौमुदी और पढ़ करके हंसते 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 लोट पोट होने लगे। ऐसे व्यक्ति आदि अंत नहीं पाया उस रस का, ये रूप गोस्वामी ऐसे हैं। ऐसे रूप गोस्वामी की महिमा हम क्या कहें, इसी में ले दिया है। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाति रूपे निजान रूपे ततान रूपे प्रिय स्वरूपे। स्वरूप जी उनके क्या है, महाप्रभु जी के अंग हैं। महाप्रभु के भावों को स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता, एनीवन एक्सेप्ट स्वरूप दामोदर, एनीवन डज नॉट नो द इंटरनल बाउंड ऑफ श्रीमद महाप्रभु, दैट इज श्रीमती राधिका। द हार्ट ऑफ महाप्रभु व्हाट इज दिस, महाप्रभु का हृदय क्या है,
राधा रानी जी का हृदय है और उसमें महाभाव मोदन मादन चित्र जल्पा और क्या क्या न्याय उसमें भरा पड़ा है। महाप्रभु कक्ष में किस लिए कीर्तन करते हैं, किस भाव में उठ जाते हैं, ये स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त नहीं जानते। इसलिए रथ यात्रा के समय में जब वो गा रहे थे जय कौ मार, कोई नहीं समझा, केवल समझ रहा कौन, स्वरूप दामोदर। और उस भाव को एक छोटे से बच्चे ने समझ लिया तो महाप्रभु जी उसके पीठ थपथपा करके बोले, तुमने कैसे जान लिया, और स्वरूप दामोदर जिस पर आपकी कृपा है उसके अतिरिक्त कोई नहीं जान। ऐसे स्वरूप जी जैसे वो ललिता जी हैं, जैसे महाप्रभु उनके राधा जी के प्रिय हैं, ऐसे ही ये रूप गोस्वामी जी उनके प्रिय हैं। रूप गोस्वामी कुछ अर्थों में उनसे अधिक प्रिय हैं। जिस समय राधा जी के साथ में विहार कर रहे हैं उस समय में ललिता जी भी इनसे पूछेंगे कि मैं आऊं, अन्यथा नहीं जा। रूप मंजरी स्पेशल चीज है, उनके उनके उनको दोनों का एक पलंग पर सुला सकती हैं, उनका विजन कर सकती हैं। ललिता जी नहीं आएंगी, ललिता जी को संकोच है, वो क्या है नेक्स्ट लो प्रिया प्राण कुलात अपि असंकोचिता। इसलिए मैंने कहा, इसलिए रूप गोस्वामी के यहाँ कोई उनको नंगी रहने पर भी राधा जी रूप मंजरी उनको कपड़े लहंगे पहना सकती हैं, उनको अधिकार है, उनका सब श्रृंगार कर सकती हैं, इसलिए उनका एक विशेष भाव है। इन भावों को हमारे रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया। इसलिए स्वरूप जैसे ये महाप्रभु के प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, दैत स्वरूप। दैत स्वरूप माने क्या, दैत दत्त आत्मानम, क्या आत्मानम दत्त, अपने को ही रूप गोस्वामी ने उनको दे दिया है महाप्रभु जी को, और ये अत्यंत दैत प्रिय है महाप्रभु जी। और दोनों में लगाओ, इधर से भी लगाओ, महाप्रभु जी उनके दैत हैं और वो दैत स्वरूप होने से महाप्रभु जी के अत्यंत ये प्रिय हैं। प्रेम स्वरूप, प्रेम के रूप है ये रूप गोस्वामी। महाप्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है, कौन प्रेम, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह हैं, ये प्रेम स्वरूप। और सहजा सहज, सहज माने क्या, सहजायते साथ ही साथ में जन्म हुआ, जैसे जीव हुआ उसका स्वरूप भी और उसके जितने भाव भी एक साथ में प्रकट हुआ। एक गुठली में एक बीज में जो कुछ है वही पेड़ होता है। तो ये मूल स्वरूप में महाप्रभु जी का प्रेम, ये रूप गोस्वामी प्रेम स्वरूप है। और सहजाभिरूप जब महाप्रभु जी आए और अपने को जब प्रकट करना हुआ तो किसको, रूप गोस्वामी को, तब वो गए कनाई नाटशाला में और उनको कहा जैसे तुम जल्दी से आ जाओ वृंदावन में, और फिर वृंदावन से तुम आ जाना निराचल में, हम लोग एक साथ बैठ करके प्रेम का आस्वादन करेंगे। और इसीलिए महाप्रभु जी ने उनको प्रेरणा दे करके उन दूत ग्रंथ दलित माधव विदग्ध माधव अलग अलग कराया, इनकी इच्छा थी एक ही हो किंतु अलग अलग कराया। और प्रभु रूप, प्रभु का एक रूप है ये द्वितीय विग्रह स्वरूप, ये रूप है। यदि महाप्रभु को देखना है तो रूप गोस्वामी को देखो, उनके भावों को देखो, उनकी दृष्टि से उनका चश्मा लगा करके महाप्रभु को देखो, अन्यथा नहीं होगा। और निजान रूपे ततान रूपे, रूप गोस्वामी के अंदर में ये सब रस शास्त्र का, कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व रस तत्व, ये सब का उन्होंने विस्तार किया। ऐसे रूप गोस्वामी को कोटि कोटि बार हमारा नमस्कार है, हम इनके चरणों में प्रणत होते हैं। ये रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के ये विलास हैं, या इनके महाप्रभु रूप गोस्वामी के ये विलास स्वरूप महाप्रभु हैं, दोनों
ऐसे चैतन्य के महाप्रभु के प्रिय उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी के समाधि में और उनके भजन कुटी में हम अपने शिष्य को नवाते हैं, शरणागत होते हैं। रूप गोस्वामी जी कृपा करके जो महाप्रभु से लिया उसका एक बिंदु का लाख बिंदु का एक भी हम लोगों के हृदय में प्रेरित। इसलिए रूप गोस्वामी जी आज प्रसन्न हो और आप सभी लोगों के ऊपर में कृपा। रूप गोस्वामी should give your sprinkle his mercy in an effort. No, autumn, even it is sufficient for us. यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो जीवित रहना संभव नहीं, जीवित रहोगे तो पागल हो जाओगे। तभी वो कृपा करें और हम लोगों को अनुग्रह करके अपने चरणों में स्थान दें, अपने चरणों के अंत रखें और बाकी सब हम लोग वहां पर बोलेंगे। In English we will translate, they will translate there because it will be late and we will have to go there. Gaur Pramanande Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Oh,
Hare Krishna.